नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हाजिर हूँ मैं पंचायत चुनाव के एक अपडेट के साथ। आपको बताएं कि सितंबर माह में बहुत ही संभावना है कि चुनाव कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली बार जो लेटर रिलीज कर दिया गया था, लीक कर दिया गया था, उसमें डेट मेंशन थे, लेकिन हालांकि अब उसमें चेंजेस किए जाएंगे। हो सकता है सितंबर के अंतिम में कर दिया जाए या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर दिया जाए। डेट में चेंजेस लाए जाएंगे और इसको लेकर अब राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं वो ये कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों का मैनुअल जारी कर दिया है। आयोग ने सभी जिलों को भेजे गए मैनुअल में निर्देश दिया है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी सभी पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाए और सॉफ्ट कॉपी निर्वाची पदाधिकारियों व सहायक निर्वाचन पदाधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कर दी जाए। बात करते हैं मैनुअल की, तो मैनुअल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला खंड ईवीएम का है तो दूसरा वैलेट वॉक्स खंड है, तीसरा मतदान संचालन खंड में विभक्त है। आयोग ने कहा है कि इस बार पंचायत आम चुनाव इसलिए खास है कि मतदान के दो तरीके किए जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पंचायती राज के चार पदों, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जाना है। इसी प्रकार से ग्राम कचहरी और दो पदों सरपंच और पंच का मतदान वैलेट और वैलेट बॉक्स के माध्यम से किया जाना है। ऐसी स्थिति में मतदान कराने में पीठासीन पदाधिकारियों को किसी भी तरह की इश्यूज ना हो, किसी भी तरह से उनके मन में कोई भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इस पुस्तिका के उपयोग मतदान संचालन के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। बताते चले कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तैयारी जोरों से है। माना जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा, डेट्स फाइनल कर दिए जाएंगे। आपको बताया कि बिहार में मई जून में पंचायत चुनाव होना था, लेकिन पहले तो ईवीएम के कारण ये मामला अटकता रहा, लेकिन फिर कोविड आ गया, कोविड के कारण भी ये लटका रहा। और जब सेकेंड वेव की स्थिति कम हो गई है तो अब इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। बहुत सारे अपडेट इस बार लिए गए हैं। इस बार कोई भी गड़बड़ी राज्य निर्वाचन आयोग नहीं चाहता है और पूरे बेहतरीन तरीके से चुनाव कंडक्ट करवाया जाए, यही उनकी मंशा है। और वहीं अगर हम बाढ़ की बात करते हैं तो जो 10 चरणों में जो चुनाव होना है, बाढ़ के इलाकों में जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां अंतिम चरण में चुनाव कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये अपडेट पंचायत चुनाव से रिलेटेड हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैनुअल जारी किया गया है। मैनुअल में तीन भाग बांटे गए हैं। बाकी और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।